करते हैं तो हम लोग जो है ना मैं हूँ मेरी एक फ्रेंड है और उन्होंने एक कादियानी लड़की को हम लोगों ने क्योंकि मैं काम करती थी साउथ होल में आपको पता होगा ब्लैक सिस्टर्स है मुझे नहीं पता आपको यूके का पता है कि नहीं साउथ में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम है ब्लैक सिस्टर्स वो लड़कियों की मदद करती हैं औरतों की मदद करती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से आते हैं तो उस ज़माने में मैं वहाँ पे वॉलेंटियर किया करती थी तो वहाँ से हमने एक कादियानी लड़की को बचाया था उसके घर से उसका जो बाप था वो उसको कत्ल करने पे आया हुआ था बिकॉज वो एक सुन्नी लड़की से प्यार करती थी और तो वो उससे शादी करना चाहती थी तो इनका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि इनकी जो पावर है ये आपको बिल्कुल साइड लाइन साइड लाइन कर देते हैं फैमिली में निकाल देते हैं आपसे आप मिलते नहीं इनको इजाज़त नहीं होती इनका जो हेड है वो कहता है कि आपने उन उन लोगों से नहीं मिलना जो जो निकल चुके हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से तो हमने जब रिसर्च की इसके बारे में हमें पता चला तो हमने उस बच्ची को जो बचाया माशाल्लाह अब वो मुस्लिम है हमने उसको किसी फ़िरके में नहीं लेकर आए बस हमने उसको यही कहा कि आप हमारा फ़िरका भी मत करो फॉलो आप बस जो दीन है इस्लाम है अल्लाह ने जो जो किताब हम भेजी है उस पर आप अमल करो बाकी सब चीज़ें तो फिर का वारियत तो वैसे भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये गुनाह है तो आपको मेरी आवाज आवाज आ आ रही है? Uh, आ रही है? है। जी सिस्टर आपकी तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करें आप स्टार्ट से करें कि एक तो चैनल भरा पड़ा है। um, इनकी ही एक औरत सामने आई थी मुझे उनका नाम याद नहीं है पर शी शी कि इन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है उसमें पीडोफाइल्स बहुत है और ये अपनी ही माँ बहनों के साथ बहुत ज्यादियाँ करते हैं इनके मर्द जो कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस है अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको एक औरत मिलेगी जिसने कुछ साल पहले ट्विटर पे भी एक ट्वीट की थी जिसमें आई थिंक उसका सगा बाप था या उसका कोई महरम रिश्ता था बहरहाल जिसने उसके साथ बहुत गंदी हरकत की थी अच्छा असाफिल्ला फिर इन्होंने उसको बात को दबा दिया था तो हम जब भी जाते हैं फॉर एग्जांपल जब हमें पता चलता है कि कोई बच्ची जो है या कोई औरत है वो कादियानी है तो हम उनको कभी भी ऐसे ऐसे उनको अटैक नहीं करते क्योंकि मैं दूसरा एक चैनल सुन रही थी वहाँ पर सब कादियानी बैठे हुए थे एंड मैं आपको एक बात बोलती हूँ उनकी जो सेल्स पावर है ना वो मुझे मुझे मालूम है वो बचपन से शुरू होती है वो उनको ट्रेन किया जाता है ये अपने आप को बोलते हैं सोल्जर्स

उन लड़कियों से उन बच्चियों से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे जाएं जहाँ पे फॉर एग्जांपल चैरिटी प्लेसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको बहुत खातन मिलेंगी जो कादियानी ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं पर इसको ये छुपा जाते हैं क्योंकि ये है कि गवर्नमेंट जो है उन पर इनका बहुत अच्छा हाथ है दे आर वेरी प्रोटेक्टेड अच्छा मैं मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ जी जी बिल्कुल जी अच्छा मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ तो पहले थे, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अच्छा ये मैं पूछना चाह रहा हूं। आप बिल्कुल अच्छी की है जो इनकी कम्युनिटी बनी हुई है जिनकी आप बात कर रही है जर्मन में किस किस जगह के ऊपर है वो, मुझे, नहीं पता, मेरी जो फ्रेंड ने मुझे बताया था वो बर्लिन uh, में तो हब है अभी okay. लेकिन हमें यूके आके पता चला क्योंकि यूके में सबसे ज्यादा है हमने जर्मनी में उन लोगों को क्योंकि जब हम इधारे में जाते हम हम जब जर्मन में सबसे ज्यादा है यूके में तो है है पर इतने नहीं है जर्मन में सबसे ज्यादा है क्योंकि यूके वाले जोन्स हैं ना वो इनको बड़े अच्छे तरीके से अब जानते हैं तो इस वजह से जर्मनी में तो हमारा कभी इनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि हम जब अपने इदारे में जाया करते थे तो हमें कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अच्छा और... मलक भाई और मैं... सिस्टर ये जो बात कर रही हैं तो मैं एक पर्सनल जो मैंने एक चीज़ जो मैंने देखी है ना वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पहले जब आप सोशल मीडिया के ऊपर आते थे ना फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर तो वहाँ पे आम कादियानी भी आते थे और आके जो है ना वो डिबेट्स में हिस्सा लेते थे और आप को जवाब देते, देते थे लेकिन अभी कुछ अरसा से जब से ये स्कैंडल सामने आया है ना इनके जो डोमेस्टिक वायलेंस और इन्होंने जो अपने घर के अंदर जो अपनी सक, जो औरतें हैं उनके साथ जो रवैया इनका है ना वो खास तौर पे पर नसर वाला जो केस है ना जब से वो सामने आया है ना तब से जो है ना वो मैंने देखा है कि जो आम का दिया है ना वो बिल्कुल भी किसी डिबेट में हिस्सा लेते ही नहीं आपको हिस्सा लेते हुए आपकी बात काट रही वो वो सब जाहिल जी, हैं, वो हैं। जी, जी, आपको कोई पढ़ा लिखा इंसान आपको सामने फुट फ्रंट फुट पे नहीं आएगा बात करने के लिए या कोई वो कहेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में इनके टाइटल्स होते हैं मुझे नहीं पता इनके क्या टाइटल्स होते हैं पर रैंक्स होते हैं सो so, मेरी जो फ्रेंड है वो कहती है कि दे गेट रैंकड अप तो जितना ज़्यादा वो फॉर एग्जांपल अपनी कम्युनिटी में आके काम करते हैं या जितना ज़्यादा पैसे देते हैं कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको रैंक्स मिल जाते हैं और रैंक्स के साथ उनके पास अथॉरिटी आती है तो जितने अथॉरिटी वाला बंदा होगा ना वो आपके साथ आके कोई गुफ्तु -गु नहीं करेगा लेकिन जो नीचे उनके जो रखे हुए हैं ना अब गलत बातें कहना नहीं चाहिए बट अब उनको डॉग्स कह सकते हो कि वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रखे हैं उन्होंने खुद को उनको वो आगे करते थे कि जाओ और द मिनट समथिंग गोज रॉन्ग तो वो कह रहे थे कि हमारी तरफ से इजाज़त नहीं थी इसको ये बात करने की इसने पर्सनल लेवल पे ये बात की है हम ऐसे नहीं, नहीं हम वैसे हैं सो so, ऑफ बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को ये जर्मन में थोड़े दिन पहले समझ लें कि ये एक हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ ये कादियानी फैमिली को डिपोर्ट किया गया और बाकायदा तौर के ऊपर इनकी जमात के ऊपर अब तमाम जो जमात के लोग हैं उनके यहाँ पे केस भी रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो जो इन्होंने किया हुआ है वो तो बढ़ रहे हैं आहता आई करेंट जी 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 उसके बाद ये बाकायदा तौर के ऊपर मैं एक मिनट दिखा भी देता हूँ उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सेफ कंट्रीजेंसी है ना ठीक है जी पाकिस्तान ए सेफ़ कंट्री ना ठीक है वो आ, तस्वीर नहीं सही आई वो कट गई है तो इसमें ये है कि अब तो इनको भी पता चल गया है ना तो हमारी कोशिश पहले भी यही थी कि हम जो जर्मन की एजेंसी हैं या जर्मन के जो अदारे हैं तो हम उनको बताएं और कई ऐसे अदारों के हमने बताया भी है ये तो जो काद यानी उन्होंने एफ़ आई आरें और दरख्वास्तें की थी ना इसका मैं तो इनको कहता हूँ कि ये इन्होंने मेरे लिए अच्छा कर दिया था क्योंकि मैं अकेला चला हूं मेरे पास कोई नहीं था बस पूछ पूछ के मुझे समझ आती किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना तो इस तरह मैं जब अदारों में जाना शुरू हुआ तो फिर मैंने उनसे भी बात की और उन्होंने ये तमाम वो चीज़ें तमाम वो जो इनके सबूत थे वो प्रोवाइड किए यहाँ से भी जर्मन से भी और रबवा चनाब नगर से भी जहाँ पे ये जहाँ से ये आते हैं आप जर्मनी में रहते तो, हैं जी मैं जर्मनी कासल में होता आपका जर्मन फ्लुएंट है नो इतना चारी? नहीं है पर ये है कि क्योंकि मैं मैं जर्मन बोलती हूँ आपको कभी अगर कुछ

अच्छा अबू हसन भाई ये होता क्या है मैं अदालत में क्या हूँ तो वहाँ पे ना यानी एक जज ये तीन जज बैठे हुए थे ना तो हमारे यानी केस जो था उसके बाद था पहले ना एक कादे यानी का केस था अच्छा वो जज ने क्या किया वो जज ने जनाब जी बकायदा तौर के ऊपर वो उसका केस यानी उसकी वो फाइल ओपन की है और ओपन करके ना वो है हंस के ना उसने दोबारा उसको बंद कर दिया साथ बैठने वाले हम सुन रहे हैं साथ बैठने वाले उन्होंने कहा ये क्या मसला है कि तुम हंसे क्यों बंद क्यों कर मैं कहा जितों मेरा ट्रांसफ़र ना जहाँ से मैं ट्रांसफ़र होके आया हूँ वहाँ पे इस ये जो बता रहे हैं ना ये जो केस है ये केस जहाँ से मैं ट्रांसफ़र होके आया हूँ वहाँ पे मेरे पास पचास ऐसे केस हैं हंस मैं इस बात से रहा हूँ कि देखें कि ये वो लोग हैं कि चले एक वाक्य हो जाता है ना उस वाक्य में चलो एक घर में बीस बंदे होंगे मिसाल के तौर के ऊपर ठीक है अब पचास बंदे उनकी फैमिलियों का आप हिसाब लगा लें उनके कितने बंदे होंगे एक घर में वो कैसे रह सकते हैं और एक ही बंदा मरा है उसको ही किसी ने अपना चाचा बताया हुआ किसी ने अपना मामा बताया हो उसने बंद करके कहा उसने कहा ठीक है आप जाओ ठीक है तो बकाया वकील वकील से उसने बात की थोड़ी सी उसने कहा ठीक है आप जाओ मैं पोस्ट कर दूँगा ठीक है जी और बाद में पता चला था जिसके साथ में गया हुआ था ना उसका भी इसी तरह का केस था वो जब मैं बाद में गया ना तो उसने मुझे बताया कहता यार वो जो बंदा था ना हमारा जो साथ जिसका पहले केस था उसको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया क्योंकि ये जो झूठ बोलते हैं ना यहाँ पे बैठ के अब लोगों को पहले पता नहीं था इन्होंने सोशल मीडिया टिकटॉक क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो ख़तम नबूत के लोग हैं उन्होंने इनको लगाम डाली फ़ेसबुक के ऊपर डाली पाक टा जो ये तमाम जो वेबसाइट के ऊपर बैठते थे वहाँ पे डाली अब ये जो था ना टिकट यहाँ पे इन्होंने काम ख़राब करना शुरू किया था तो हमारे मुफ्ती साहब हैं मुफ्ती सैयद मुबशर रजा ऱाक्री साहब तो उनके आगे अर्ज़ की थी कि यार जहाँ पर इतना टाइम दे रहे हैं आप यहाँ भी टाइम दें तो अल्लाह का शुक्र है जब से वो आए तो हैं अब तो कहानी जो उनसे हैं वो तो ऐसे भागते हैं जैसे भागने का हक है वो सिर्फ़ उस बंदे को लेते हैं कि जिस बंदे को इतना इलम नहीं है या जिसको पता नहीं है हमारी वो आइडियो को देख के उसी टाइम वो ब्लॉग पर लगा देते हैं कि भाई जी ये बंदा साढ़े को ना है क्योंकि देखो हवाले बहुत ने तो बात करने का मकसद ये था कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ना आप जो अदारे की बात कर रही हैं या जो भी आप कहना चाहती हैं ना वो आप हमें अदारे बताएं क्योंकि आप यहाँ की बोर्न है और आपको पता है क्योंकि ये हमारे जैसे लोगों को ना ये ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके अपने भी बच्चे यहाँ पे बोर्न है तो तो ये अपने बोर्न बच्चों को आगे करते हैं हाँ जी लेकिन मुझे लास्ट वीक पता चला है एंड हम लोग सब बहुत शॉक्ड हुए थे कि जर्मनी में क्योंकि अभी जर्मनी में हमारी खुद की इतनी फैमिली नहीं रही और बिल्कुल एक इत्तेफाक था मैं कहती हूँ कि जो मेरी ग्रैंडफादर थे वो जर्मनी गए थे वहाँ तक के सैड इतफाक तक कोई प्लान नहीं था तो हमारी बहुत लिमिटेड सी फैमिली थी वहाँ पे लेकिन कोर्स हमारी जो कम्युनिटी है हमारा इदारा तो वहाँ पे है और अलहमदिल्ला अभी भी वो तो रहेंगे लेकिन इतनी वो नहीं थी इतनी अवेयरनेस नहीं रही थी वो वापस भी उस तरह नहीं गए कभी तो हमें लास्ट वीक पता चला कि जर्मनी ने इन लोगों को अनेक हजन कर लिया है दयानीों को और ये अपने स्कूल्स में जो दीन इस्लाम पढ़ाते हैं ना जैसे यहाँ पे इस्लामिक स्कूल्स हैं और इस्लामिक टीचिंग्स होती हैं वैसे जर्मनी में भी होती हैं हम मेरे ख़ुद भी गली यून हुआ करता था लेकिन हमारे जमाने में क्योंकि इतने मुसलमान नहीं थे तो बिल्कुल बेसिक अच्छा प्यार्ण अच्छा माफ़ करना माफ़ करना मैं यहाँ पर एक लफ्स ऐड करूँगा आप इनकी बात कर रहे हैं ये जो पढ़ाते हैं ना ये

फिर बाकी वो क्रिश्चियनिटी की फिर जूडाइज़म की फिर बाकी वो नॉर्मल ऐसे ही मतलब टाइम पास करते थे लेकिन अब मुझे पता चला है कि अब जर्मनी के स्कूल्स में जो एक घंटे का स्कूल में जो टीचिंग होता था उसमें से आप बच्चे को निकाल सकते थे इसको यून स्टूडेंट कहते थे माँ बाप कहते थे कि हमने नहीं अपने बच्चों को दूसरे मज़हब के बारे में पढ़ाना अब उन्होंने ऑब्लीगेट ही कर दिया जर्मनी में एक तो दूसरा ये है कि कादियानियों का मज़हब पढ़ाया जा रहा है उधर उधर बैठ के बकायदा बच्चों को सिखाया जाता है कि नाजुबिल्ला नाजुबिल्ला वो जो हजरत ईसा थे वो वापस आ चुके हैं माम मेहदी भी आ चुके हैं इनकी नजर में अच्छा जी, जी एक मिनट ये ये जो आप बात कर रही हैं ये किस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रही हैं आपके पास कोई ऑथेंटिक आपके पास प्रूफ है अगर ये है पढ़ाया जा रहा भाई ये कौन स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और ये जो इनके हाई स्कूल्स है ना क्योंकि जर्मनी में जब हम मैं 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 यही पूछ, मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो हाँ ग्रोन में ग्रोन चुल, में और जो हाई हाई स्कूल है इनके जो एग्जाम शूल हो गया या जिम्नाजियम हो गया वहाँ पे जो इस्लाम की टीचिंग सिखाई जा रही हैं वो कादियानियों की किताबों से निकाल के पढ़ाई जा रही हैं ना, देखे ना बात है है कि को नहीं साहब साहब एक रिक्वेस्ट करनी थी यार अगर आप अपनी ब्रॉड लगा रहे ना असल कर... तो में ना मुझे तकरीबन ना कुछ तीन घंटे से ज़्यादा चार घंटे हो गए ब्रॉड लगाए हुए जी तो ये है कि मैं फिर अब बंद करना चाहूंगा ब्रॉड थोड़ी देर के बाद मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा आप अपनी ब्रॉड स्टार्ट करें इस तरह करें फॉलो करें तो मैं ना तो जी आप ना मलक साहब तो की नमाज पढ़ के ना असर की नमाज पढ़ के दस पंद्रह मिनट तक मैं ना आता हूँ तो मैंने ये ना आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है क्योंकि ये मेरे लिए भी बेहतर है और मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदा भी होगा इसका और जो मुसलमान जहाँ पर जर्नी जी जी जो मुसलमान है ना यहाँ पे उनके लिए फिर

मैंने इनकी आईडी पे क्लिक किया है तो वो आ तो आगे प्लस साइन आ जाएगा ने ने, प्लस साइन आ जाएगा रोजर्स हार्ट नहीं नहीं प्लस, प्लस साइन आएगा उनकी उनकी ना आईडी के बिल्कुल साथ प्लस साइन आएगा तस्वीर के साथ ऐसे क्लिक करेंगे ना तो आईडी के बिल्कुल साथ ना प्लस का साइन आ जाएगा वो आप उसे प्रेस करेंगे तो ऐड हो अबु हसन भाई अबु हसन भाई ये किताब है एक जीजस इन इंडिया Amazon से मिलती है 1 2 डॉलर की